अमेरिका का रहने वाला एक ऐसा शख्स जो खुद करोड़पति है और उसने लोगों को पैसे बनाने की ट्रिक बताई है। उसने ये भी बताया कि मध्यम वर्गीय लोग पैसे कमाते तो हैं पर छोटी सी गलती की वजह से कभी अमीर नहीं बन पाते। तो क्या आप भी जानना चाहते हैं कि वह गलती क्या है? तो देखिए हमारे इस रिपोर्ट में। वर्तमान समय में अमीर बनना कौन नहीं चाहता, हर कोई ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना चाहता है। इसके लिए वो दिन रात मेहनत करने के लिए तैयार भी रहते हैं और ज्यादा से ज्यादा वक्त ये सोचते हुए बिताते हैं कि पैसे कहां से और कैसे कमाए जाएं। लेकिन बावजूद इसके मिडिल क्लास लोगों का पूरा जीवन खप जाता है और वे वैसे रईसी का लुत्फ नहीं उठा पाते जैसी कल्पना करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो गलती कहां कर जाते हैं, तो इसके बारे में एक करोड़पति शख्स ने जानकारी दी है और उसने ये भी बताया है कि अक्सर अमीर बनने की चाहत में लोग कुछ मामूली गलती कर बैठते हैं और उनका सपना अधूरा रह जाता है। इस शख्स ने लोगों को पैसे बनाने की ट्रिक बताई है, साथ ही उसने ये भी बताया कि मध्यम वर्गीय लोग पैसे कमाते हैं लेकिन अपनी एक गलती की वजह से कभी अमीर नहीं बन पाते। उसने सोशल मीडिया पर लोगों को बताया कि अमीर पैसे कमाते नहीं बल्कि पैसे बनाते हैं और मिडिल क्लास के लोग यही गलती कर जाते हैं। वैसे ये शख्स लोगों को अमीर बनने के टिप्स देता रहता है। उसने अपने हालिया वीडियो में बताया कि मध्यम वर्गीय लोग अपनी मानसिकता के चलते अमीर नहीं बन पाते। उसका कहना है कि गरीब लोग सिर्फ 5 दिन काम करते हैं, मेहनत और समय लगाकर पैसा कमाते हैं और वो बिल और कर्ज उतारने के चक्कर में दूसरों को दे देते हैं, यही वजह है कि वो आगे नहीं बढ़ पाते। वहीं मध्यम वर्गीय लोग अपना पैसा बचाकर बड़ा घर, बड़ी गाड़ी और ऐसी चीजों पर खर्च कर देते हैं, ऐसे में वो कभी पैसा ही नहीं बढ़ा पाते। इस शख्स का कहना है कि अमीर लोग पैसे को बढ़ाने पर काम करते हैं, वे पैसे का इस्तेमाल करके ही पैसा बढ़ाते हैं। 25 से 28 साल की उम्र में ही करोड़पति बन चुके इस शख्स का कहना है कि पैसे को पैसा बनाने के माध्यम के तौर पर देखना होता है, ना कि खर्च करने का सोचना होता है। उसका कहना है कि पैसा कमाने में दिमाग खपाने की बजाय पैसा बनाने में खपाना चाहिए। आप अपने कैश को खर्च करने की बजाय इसे बेहतर इन्वेस्टमेंट के नजरिए से देखें ताकि ये और बढ़ सके। अब देखा जाए तो इस आदमी की बात कुछ जगह पर सही भी है। बाकी आपका इस पर क्या विचार है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए आप देखते रहिए KBC News।